Guys, we are back after this slight little discomfort for you guys. But we are back for good. Who are all excited to have Paji again? Let's see. I think Paji is joining us back. Simsta is joining us back. And yes. Meanwhile, enjoy the song. Go watch on YouTube. Go watch on Facebook. मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों का नेटवर्क नहीं है तब तक मैं लोगों को सुनाती हूँ आपका गाना. And then I've been telling them go watch it on YouTube, go watch it on Facebook. हमारा गाना Facebook पे भी live है. सब लोग जाओ watch it on stream. Watch it everywhere. The song is like super. Like this is like doing super. But coming back to the questions, yes, you were talking Singsta about ki aapko kaise itna time laga Paji ke saath dobara gana banane mein. Exactly, so, aapka yes. To isse pehle jo aapka gana aaya tha wo tha Makhna. Right. Aise to hum usko gayab nahi hone denge. You have to sing. Yeah, sure. Okay. तुझे डायमंड जैसे संभाल के रखना तेरे प्यार का एपेटाइजर चखना तुझे डायमंड जैसे संभाल के रखना प्यार का एपेटाइजर चखना और किसी पे गौर न कर मेरे पास आके बोल मुझे तू मखना खना yeah so good congratulations it is also doing really well on YouTube and Facebook yeah. Congratulations, like joy. Thank you. So, moving on. Okay. So, Singsta, we keep on seeing your love for Paji. Matlab, aapka jo pyar hai Paji ke liye, it's like, matlab, chupa nahi hai kisi se. You look up so to him in every way that this song is also the first one where Yo-Yo Paji is actually featuring. Exactly, yes. If I'm not wrong, yes. Like Yo-Yo is featuring in your song and you are the lead. So, yes. Itna overdose hai pyar ka, overdose love you have received that's true. How do you feel about it? What do you want to say to him on live session? I feel so blessed. Matlab, mujhe Paji se wo sari cheeze seekhne ko mili hain, jo ek artist dusre artist ko nahi batayega, kabhi bhi nahi batata. So, wo cheeze musically or how you make music, how you write. So, ये कुछ ऐसे points होते हैं that artist in general वैसे भी किसी के साथ you know नहीं share करते. So, Paji से मेरे को ये सारी चीजें सीखने को मिली. प्यार तो वो तो है ही, but main चीज है जो respect. मैं आपको पता नहीं होगा, काफी audience को पता नहीं होगा. मैंने जो घर पे अपना studio बनाया हुआ है, उसमें मैंने कुछ like around something four feet something तो मैंने वो बहुत पहले पिक्चर लगाई थी अपने रूम में. सो आई यूज टू यू नो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू, मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि एक टाइम पे वो पिक्चर थी रूम में लगाई थी कि कभी मिलने का मौका मिलेगा, बिकॉज मैं कभी मिला नहीं था. जैसे बाजी शोज करते थे 2014-15-16 शोज करे, तो मैंने बहुत ट्राई करा कि शोज पे जाके यू नो एक बार बस हेलो हो जाए. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी, इट्स अ बिग ब्लेसिंग कि आज हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. पाजी मेरे को मौका दिया, चांस दिया कि हम एक साथ स्क्रीन शेयर करें, और सबसे बड़ा चांस ये दिया कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करूं उस गाने का. दैट्स वेरी रेयर. आई काउंट माइसेल्फ द फाइनेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर. एग्जैक्टली. और मैं हूं भी. और प्रीतम दादा, हिमेश भाई और एक दो लोग और हैं, उनके म्यूजिक में मैंने गाया और उसके बाद मैं इसके म्यूजिक में गा रहा हूँ. दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग. ही इज अ वेरी फाइन म्यूजिक प्रोड्यूसर, वेरी गुड सॉन्ग राइटर. और अगेन मैं हमारी बात चल रही थी मिहिर पे. यस हाँ करेक्ट. जब डिस्कनेक्ट हुआ था मिहिर पे बात चल रही थी. मिहिर ने तकरीबन मेरे साथ 8-9 साल से है और वो मेरे BTS शूट करता था और बहुत सारा काम शूट करता था
और उसके बाद में इंटरनेशनल डायरेक्टर के साथ काम किया, मकरा वी वर्क विद डैनियल ड्यूरन, ही इज लाइक मेनस्ट्रीम गाय, उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर मीर था, उसके बाद मकरा, उसके बाद वी डिड दैट लोका विद बेन पीटर्स, उसके उसके साथ भी मीर था. तो फाइनली एक चीज और बात मेरे को बताने वाली है कि मुझे सिंगस्टा के बारे में मीर ने बताया था. मिहिर भाजी का बहुत बड़ा और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने मेरा एक पुराना गाना था अंडरग्राउंड, मैंने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था, उन्होंने भाजी को सुनाया था कि भाजी ये सुनो ये लड़का है कोई. मैं ऐसे ना मैं ऐसे चिल कर रहा था, 2017 की बात है, मैं ऐसे जस्ट चिल कर रहा था, मैंने मीर को कॉल किया, मैं कहा यार कोई नए लड़के बता जो सुनने लायक हो और जो नए हो. तो कहता भाजी यू शुड चेक आउट सिंगस्टा, यू विल लाइक इट, यू विल लाइक हिम. फिर जब मैंने इसका गाना सुना मैंने कहा ये लड़का पास है, इसको पकड़ो. फिर कहते हैं कि डेस्टिनी बहुत बड़ा प्ले करती है लाइफ में. right. तो अगर आप इंसान अच्छे हो तो आपको सामने वाला इंसान अच्छा मिलेगा मिलेगा. देर आए दुरुस्त है. इसलिए 1.5 साल लग गया गाना आने में. लेकिन अभी बैक टू बैक इसके बहुत सारे गाने तैयार हैं. मेरे बहुत सारे गाने तैयार हैं, तो मिक्स मैच करके अपन लोग लेते आएंगे रोज, मतलब हर एक सवा महीने में नया गाना आएगा. ओके, सो ओवरडोज प्यार मिल रहा है आपको, मतलब फुल ऑफ ओवरडोज है ये प्यार, मतलब रुक ही नहीं रहा है. और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हम लोग प्रे करेंगे कि कभी ना ही रुके आप दोनों के लिए, बट ओवरडोज लव से मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. लव ओवरडोज, कंग्रेचुलेशन. लव डोज, करेक्ट, कंग्रेचुलेशन. पहले तो वो ऑलमोस्ट 300 million प्लस व्यूज कर चुका है आपके यूट्यूब पर, ऑल अक्रॉस, मोर देन 300 million प्लस व्यूज. इट्स नॉट अ लेस नंबर, इतना ढेर सारा प्यार. लव डोज, सो ये चांद सा रोशन चेहरा हमें क्या सुनाएगा आज? लगती मैनू चीवे मराती कुड़ी मिठिया गल्ला कर है कुड़ी नमकीन पतला जला के तेरा लखनऊ संभाली वने न मिले यन लगदी कमाली होया बुरा हाली तू आजा मेरे क्लोज मिलता ना मौका रोज आई वांट यू माय बेबी मुझे दे दे लव डोज. ब्रो 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 बिग शाउट आउट. This is one of my personal favorite tracks of yours, by the way. Thank you for making us hear this song. Thank you. So, you're another fan, Annu Jaskirat. Especially, unka sawal hai Singstar ke liye. Describe Yo-Yo in a line. But, there's line a twist. Line or word? Main line mein bhi kar sakta hoon aur word mein bhi kar sakta hoon. Nahin. So, there is a twist. So, line mein gaana ga ke aapko sunana hai ki, like, describe Honey Paji. गाने के साथ. जैसे अभी मैंने किया ना, ये चांद सा रोशन चेहरा क्या सुनाएगा हमें. ओके, ये बिल्लो तू अग में ही है, इसका आंसर बिल्लो तू अग गाने में भी है. इसका आंसर है मन्या तू अपने पापा दी राज दिलारी बेफिक्री च रह लाला मित्रा नाल यारी कड दे दा कंडा जिथे अर्ज गरारी एही देसी कलाकारां दी हुंदी आ कलाकारी. या दिस इज कड दे कंडा. आपको अगर मैं पंजाबी में बताऊं, आपको अगर हम पंजाबी में बताएं, कड दी दा कंडा मींस उसका कोई भी ट्रबल हो वो वी कैन सॉल्व. दिस इज देसी कलाकारों की कलाकारी. ओके, दैट्स सुपर. तो मतलब आई गेट इट व्हाट यू आर सेइंग. सो ओके, सो अनदर वन. तो आप लोग, यू गाइज आर लाइक सो एक्टिव ऑन योर इंस्टाग्राम विच इज अमेजिंग. सोशल, बिकॉज सोशल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फैन से कनेक्ट करता है, करेक्ट. बट आप लोगों ने आग लगाई हुई है पूरे सोशल पे, मतलब हनी पाजी रे तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन डाल के ऐसे 6-pack, 8-pack, मतलब ऐसे फिटनेस. मुझे बस इतना बताओ कि आपका जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है, आप उस पे शर्टलेस होने वाले हो, इसलिए ये प्रिपेयर हो रहा है, मतलब करने क्या वाले हो? एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर फैन हु इज नैना, सृष्टि एंड निकिता. देखो, सबसे पहले पूरा क्रेडिट जाएगा लॉकडाउन को, फिर उसके बाद आपकी भाभी को,
मेरी वाइफ को, जिन्होंने जिनको आप हमेशा जिन्होंने कहते मुझे हो। जिन्होंने मुझे ट्रेडमिल पे दौड़ा दौड़ा के पागल कर दिया। करेक्ट। तो अब वाइगरू मेयर करे तो मैं तकरीबन 6-8 महीने में शर्टलेस अभी भी नहीं है? जैसे सिंगस्टार ने नहीं बोला, गाने के अंदर बोला ना, तेरा वर्कआउट इंटेंस, नेक्स्ट लेवल, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। यू आर अमेजिंग। थैंक यू। सो आई मीन आई एम जस्ट सेइंग लाइक तेरा वर्कआउट इंटेंस, नेक्स्ट लेवल फैशनर, डिजाइनर, कितना डिजाइनर, मतलब इतना पिक्चर्स वीडियोस यू गाइस पुट, आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट शर्ट in any of the videos. This is for you. Big up. Correct. I'm feeling so honored to present a handsome sword. Correct. और मैंने इसके गाने पसंद किए जब मैंने सुना इसको, और उसके बाद जो इसकी पगड़ी का स्टाइल है, डिजाइनर पगड़ी, ठीक है, बांधने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, वेरी अर्बन। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक डिजाइनर सरदार आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये कैसे, इतना डिजाइनर कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। दिस लाइक मैंने पहले सोचा हुआ था कि मेरे को अपनी टर्बन का स्टाइल डिफरेंट रखना है, जस्ट एक थॉट था कि जैसे एवरीबॉडी, जैसे जो नॉन सिख होते हैं, दे कीप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, हेयर कट अपना अलग रखते हैं, है ना, उसी तरीके से मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को अपनी टर्बन का स्टाइल ऐसे ही रखना है। सो इनिशियली जब मैं स्कूल में ऐसी टर्बन बांधता था, मेरे को टीचर्स कहती थी ये कैसी, मतलब उनको कुछ अटपटा सा लगता था कि ये लग तो अच्छी रही है, बट ये क्यों है ऐसे। लाइक सो शुरू से मेरे को था कि मेरी टर्बन का स्टाइल डिफरेंट रहे। मतलब जो नॉन सिख हमारे फैंस हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब में 3 सूबे हैं, मालवा, माझा, दुआबा, उनका टर्बन बांधने का स्टाइल अलग है, दिल्ली के लोगों का टर्बन बांधने का स्टाइल अलग है, यूके का अलग है, कनाडा का अलग है, मेरा अलग है, इसने बिल्कुल अलग करा है। और इनका ही मेड द कॉम्बिनेशन, या ही मेड द कॉम्बिनेशन, करेक्ट, इनका बिल्कुल डिजाइनर है, इसलिए उन्होंने गाने में डाले डिजाइनर, बिल्कुल अलग। यस, तो इसी पे ये लाइन हो जाए। ओके, डिजाइनर तू पावे, अरे करे नू तू मुना लावे, पैसा हुंदा की तू ता पानी वांग ढोली जावे, तेरा बस चले तू ता एलवी दी चोली पावे, एलवी दी चोली पावे, बिलो तू आगे। आई हैव बीन डूइंग ओनली दिस थिंग, बिलो तू आगे। माय फादर, वी वर हैविंग डिनर यस्टरडे, हम लोग सब डिनर कर रहे हैं, एंड देन सडनली मैं डिनर करते करते ये सॉन्ग बजा टीवी पे, and he's like below to aa gaya below to, and like papa aapne kab suna ye gana, and he's like sab jagah aa laga raha hai, okay. So and good. I'm like okay, what are you doing? So it's like totally classy. So okay, so there's another question from your fans, Neha, Rahul and Shishti and other people, Siddhant. They are asking that you guys are ideals of lot of people. Aap log bahut logo ke ideals ho. Reason being because उन लोगों को कुछ music industry में करना है, and they look up to you. But then I want to know what makes Yo-Yo Honey Singh and Singstar. You know what I mean? Like I want to know because I'm pretty sure कि आप लोग बहुत overwhelmed रहेंगे, लोगों को नहीं समझ में आता है ये सब. But I want to know like what, who are your idols? Like how come this, wherever you are. I got lots of idols, और मैंने कभी चाह नहीं था कि मैं गाऊंगा भी, मैंने हमेशा चाहा था मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करूं, और मेरे अपनी तरफ से माने हुए गुरु हैं वो है एयर रहमान सर, और रैप सीन में अगर अपाची इंडियन सर ना होते तो मैं शायद रैप ना कर रहा होता, तो ये दोनों लोग म्यूजिक में मेरे दिल के बहुत करीब है। Okay, and Singsta, what about you? Bol to de. Like saath hi baithi hai meri situation. Okay, matlab mujhe bahut obvious laga aapse puchna, but
एक होता है ना सुनने में अच्छा लगता है, आई एम सॉरी हम कितने भी मॉडेस्ट हो बट सुनने में तब भी अच्छा लगता है. सो आई एम लाइक बोल दो. नहीं एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन शुरू से पाजी रहे हैं, बिकॉज द वे ही ट्रीट हिज म्यूजिक, मैं थोड़ा सा टेक्निकल, द वे ही ट्रीट्स हिज म्यूजिक नोबडी एल्स डज, अभी तक भी नहीं कोई करता जिस तरीके से द लेयर्स ही मेक म्यूजिक की, वो अभी तक नोबडी डज लाइक द वे ही डू, बिकॉज ही नो इंडिया को और ऑडियंस को, जो इंडियन ऑडियंस है और जो बाहर की भी ऑडियंस है, उनको हम क्या सुनाएंगे तो, एंड यू नो पीपल विल से कि यस दिस इज इट. सो भाजी मेरी शुरू से इंस्पिरेशन है. एक मेरे को बाहर का आर्टिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो है ड्रेक. सो आई लिसन टू ड्रेक. या ड्रेक इज एक्चुअली यूनिवर्स, करेक्ट. या वो अलग है, वो उनके लिए प्यार है, बट ये दिस इज लाइक वो अमेरिका का यूनिवर्स है. वाह, मतलब मैंने कभी नहीं सुना किसी एक टैलेंट को दूसरे टैलेंट की इतनी अच्छाई. दिस इज यो यो फॉर एवरीवन गाइस, लाइक सो हम्बल, लाइक आई एम सॉरी बट सो हम्बल. बिल्लो तू आगे, मैं बोल रही हूँ आपको. बिल्लो तू आगे. सो अनदर फन क्वेश्चन, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द नाइट, आई वोंट टेक योर लॉट ऑफ टाइम. बट आप लोग बहुत लाइव सेशन करते हो, मैंने देखा है आपका पर्सनली. जब आपका गाना आने वाला था बिल्लो तू आगे, आपने एक दिन पहले भी लाइव सेशन किया था उससे, एंड दैट फुल ऑन जैमिंग, करेक्ट, फुल ऑन जैम यू गाइस वर डूइंग, फुल ऑन म्यूजिक, फुल मस्ती धमाल. बट व्हाट आई सॉ वाज वेरी डिफरेंट, दैट वाज लाइक यू गाइस वर आल्सो हैविंग प्रॉपर देसी खाना. मतलब आप लोगों का जो देसी रहता है, मतलब मुझे जानना है कि ये फुल ऑन आपका देसी खाना रहता है या एक्सपेरिमेंट होते हो आप लोग अपने खाने में, फुल ऑन मतलब था. सो देसी खाना और एक्सपेरिमेंटल होते हो क्यूजिन्स में, व्हाट इज योर नीश एक्चुअली, मतलब क्या रीजन? आई एम लाइक अ क्रेजी फूडी, और चाइनीज, इंडियन, लेबनीज, पंजाबी सब चलता है. मतलब मेरे को भाई ने दिल्ली में, मैं भी दिल्ली, आई एम बोर्न इन दिल्ली ओनली, मतलब मेरे को भाजी ने वहां वहां खाना खिलाया स्ट्रीट फूड, और मैंने पहले कभी खाया ही नहीं था, और अब मैं वहीं जाता हूं बस. आप दिल्ली आपको स्ट्रीट फूड खिलाएंगे, आप दिल्ली आपको स्ट्रीट फूड खिलाएंगे. करेक्ट, हम नोएडा में हैं, हम खा लेंगे, कोई नहीं, दिक्कत नहीं. ठीक है, ठीक है, सही. बट ये एक्चुअली क्वेश्चन, देखो मेरे को पता है कि आप लोग बहुत फूडी हो, बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग, अभी हनी पाजी ने अपना एक चिकन मैरिनेशन का वीडियो डाला था, और फुल ऑन ऐसे चिकन मैरिनेट किया और उसका वीडियो बना के बोला ये लो, लो बहुत यम्मी था वो, बहुत एक्सट्रीम यम्मी था वो. करेक्ट, तो मुझे पता है आप देसी हो प्रॉपर, बट ये क्वेश्चन इसलिए था ताकि मैं आपसे देसी कलाकार की कुछ लाइनें सुन सकूं. सो आई एम सेल्फिश हियर. एक काम कर, खोल लॉक कर, कट पे हे फिर लॉक कर, फोन रख लिया बट पुल्ली ना और द चार्जर, हूँ एक बैग तैयार कर ना, गर्ल सुन, होल्ड ऑन, इजी, डर ना, टेक योर आईडी, योर पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, योर सिप, योर स्लिपर, योर ग्लॉसी लिप, मेरे लाइक सम लिख कर, करना हो फिकर, जस्ट डू इट एवरीथिंग क्विक कर, हूँ अपने तू प्यो दे कमरे दू ना दे कुंडी नाले, मेरे लाइक पैक कर थोड़ी रोटी ते पिंडी, रब ने सुख नाल सारा काम बनाता है, तेरे माँ प्या नू भी टाइम से सुख, तेरे डॉगी नू मैं नशे वाले बिस्कुट पाता है, एक्साइटेड मैं हेडा बिल्लो गाना मैं लगाता है, बिल्लो तू आ गया, बिल्लो तू आ गया, बिल्लो तू आ गया, बिल्लो तू आ गया, सब तो अलग है, तू सब तो अलग है, सी ऐसे बिल्लो लाइक फुल ऑन. So, thank you for taking us time. Thank you for taking your time. Like, I'm so glad that you guys joined us. Ek request hai, if you can take just names of the people who have joined us, there are 7,000-8,000 people joining us. It's Ankit Jain, Dipesh, Indulkar, Aditya Jain, Priya Ria, Boy. Reet Singh, Shekha, Gurpreet, Mehra Singh, Bilal Photography,
Vinita Kohli, thank you everybody for joining us, and thanks to you. No, it's my pleasure, guys. Like, keep playing, keep blessing, keep supporting Below the Arc. Ek line, sing stop. Do a line, teen line. Do a line, teen line. Tera workout intense, next level fashion sense. Dubai diave fragrance, shopping kar and jaave France. Every week, lengthy steam, mangy moisturizer cream on Maybelline. Need to Bombay the affine. Oh, designer, tu paave. Ere gare nu tu muna laave. Paisa hunda ki tu da pani mangi doli jaave. Tera bas chale tu da. Palle vi di choli paave. मेनु बॉम्बे लगता सही, बस बॉम्बे लगता सही 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 सही. इसको इसको बॉलीवुड की हीरोइनें बहुत पसंद है. इसको तो भी बॉम्बे बोलते हैं. यही तो अभी सुन रहे रहेंगे आपको सिंगस्टा. कोई मतलब दिक्कत नहीं. आई थिंक आपको बहुत रिक्वेस्ट आने वाली है अभी इंस्टाग्राम पे आपके. एक्सेप्ट करना, रिप्लाई जरूर करना. परफेक्ट ये. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. इट्स अ प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. सो that was it. We had Paji and we had Singstar with us for Below to Aage. I would request all of you guys to go and listen to the song on YouTube and on Facebook. It's live there. It's doing amazing. Aap logon ne bahut pyar diya is gaane ko. Zarur hum log jo aap apne comments kare wahan par, aur hame zarur bataye ki aapki life mein wo kaun si billo hai jo aage. And we are going to reply on that. Also listen to the songs on all streaming platforms. Apne videos banao Instagram pe, reels banao, tag to us. We are going to share every bit of it. We want to know everything you guys are doing on Below to Aage. So this was Yo-Yo Honey Singh and Singstar in the house from our TCD side. Thank you and keep joining, and we'll meet you next time. Thank you.